الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، حرمت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یوں تو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں صحت کا مل جانا، گھر کا مل جانا، لقمہ حلال کا مل جانا، رزق میں وسعت کا ہونا، اولاد کا مل جانا، اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں. لیکن ایک خاص نعمت جس کو اللہ بطور انعام فرما رہے، ایک خاص نعمت جسے اللہ بطور انعام فرما رہے، وہ الفت اور محبت کی فضا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو بطور انعام عطا فرماتے ہیں، الفت اور محبت کی فضا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. بتائیے نا، گھر کا ساری نعمتیں موجود ہوں، رزق بھی حلال ہے، رزق میں کشادگی بھی ہے، گھر کا آنگن بھی بہت بڑا ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اگر اس فضا میں محبت اور الفت کی فضا نہ ہو تو لقمہ حلق سے نیچے جانا مشکل. حلق سے نہیں اترنا. الفت اور محبت کی فضا شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے. شوہر کی آمدنی میں کمی کوئی نہیں، بیوی کے پہننے میں کچھ کمی کوئی نہیں، لیکن اگر یہاں محبت اور الفت کی فضا نہ ہو تو کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں خوشگواری آ سکتی ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے الفت اور محبت کی فضا کا مل جانا، اور یہ آج دنیا سے نایاب ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر گھر ہی میں جھگڑا ہے، ہر خاندان ہی ٹوٹ پھوٹ ہے. دفتر دیکھیے، کارخانہ دیکھیے، ہر جگہ ہی انتشار ہے. بلکہ اسلامی تاریخ کو دیکھیے نا، مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی. جب بھی انہیں شکست ہوئی ہے، یہ آپس کے جھگڑوں نے انہیں مارا ہے. جب بھی یہ ہاری ہے، ان پر یہی مصیبت آئی. کبھی انہوں نے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی. جب بھی یہ شکست کھا بیٹھے ہیں، اپنے ملک گواں بیٹھے ہیں، ان کے سلطنتوں کے چراغ گل ہوئے ہیں، پورے کے پورے دیش سے اسلام کو نکال دیا گیا ہے، اس کے پیچھے یہی ان کے آپس کے جھگڑے تھے. یہ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے. یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی
जब मुसलमानों की तादाद एक घर भर थी, जो सारे एक घर में आ गए, लेकिन मोहब्बत और उल्फत थी, देखते देखते इतने ताकतवर और तवाना हुए, दुनिया की हर ताकत इनके सामने जेरो जबर होती चले गई। जब ये एक घर भर थे, हाथों के पोरों पर, उंगलियों के पोरों पर गिने जा सकते थे, उल्फत और मोहब्बत की ताकत ने इन्हें इतना तवाना और ताकतवर बना दिया था कि जिधर कदम उठाते बड़े से बड़ी ताकतें इनके सामने शिकस्त खाने खा जा करते। तो ये उल्फत और मोहब्बत अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसका सर चश्मा ये उल्फत और मोहब्बत कहां से फूटती है, ये उल्फत और मोहब्बत कहां से आती है, कैसे खरीदा जा सकता है, ये किसी कारखाने में बनती है, किसी बाजार में दिरहम और दिनार से बिकती है ना? ये कारखानों और फैक्ट्रियों में नहीं बनती, बाजारों में नहीं बिकती। इसका सर चश्मा कसम खुदा की अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। जहां ये मोहब्बत है वहां उल्फत और मोहब्बत भी है। बूढ़ा है, उसे पास कमाने के लिए कुछ नहीं, ये बूढ़ी है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन दोनों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हैं। तो इनकी आपस की मोहब्बत आज भी मिसाली, और अगर ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली है तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक ही चीज है, इनके आपस के झगड़े खत्म नहीं होते, चिक चिक शुरू है, ये झगड़े नहीं खत्म होते। और कुछ करें ना करें ये बूढ़े झगड़ेंगे आपस में जरूर, सारी तमानाइयां खत्म हो गई, सारी कुवत आपस के झगड़ों पे सर्फ हो रही है। उल्फत और मोहब्बत ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। इसका सर चश्मा ये कहां से फूटती है, ये कैसे आती है, ये इनाम कैसे मिलता है, इसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। यहिबून मन हाजर इलैहि, यहिबून मन हाजर इलैहि, कौम भी अपनी नहीं, इलाका भी अपना नहीं, वतन भी अपना नहीं, बिरादरी भी अपनी नहीं, कबीला खानदान भी अपना नहीं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इधर भी है, अल्लाह की मोहब्बत उधर भी है, अल्लाह इन दोनों की आपस की मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं कि ये आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। वतन एक नहीं, इलाका एक नहीं, कबीला एक नहीं, खानदान एक नहीं, अल्लाह की मोहब्बत दिल में है, इधर भी उधर भी। अल्लाह कह रहा है इन दोनों में आपस में बड़ी मोहब्बत है। यहां बाप कबीला भी है, खानदान भी है, घर भी एक, माँ बाप भी एक, खून भी एक, दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, दोनों सके भाई दुश्मनों की तरह रहते हैं, दुश्मनों की तरह मामला करते हैं। बहन भाई है,
मियां बीवी है, दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो चले तो इनके आपस के एक दूसरे के दिल भी मोहब्बत से खाली हो। लोग कहते हैं बेटी का घर नहीं बनता, कोई कहता है दामाद ठीक नहीं, कोई कहता है सास ने जिंदगी मुसीबत कर दी है, कोई कहता है ननद ने जिंदगी का मसला बना रखा है। अरे मेरे अजीजों, मोहब्बतों की जिंदगी इन्हें दी कहां? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत यहां आई कहां? जिससे ये घर बनते थे मोहब्बतें फूटा करती थी, उल्फत और की खुशबुएं वो तो हमने दी ही नहीं। इसलिए कि जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली होते हैं फिर इस दिल में जगह पकड़ती है खुद गर्ज, खुद गर्ज, अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत। उस दिल में किसी ने तो जगह लेनी है ना। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं तो खुद गर्ज उसकी मोहब्बत तो आएगी, अपनी ख्वाहिशात की मोहब्बत तो आएगी। और ये आग है, खुद गर्ज आदमी कभी दूसरों के साथ मोहब्बत और उल्फत से नहीं रह सकता। उस वक्त तक तो रहेगा जब तक के अगराज पूरे हो रहे हो, और जहां गर्ज में रुकावट आई ताल्लुकात गए। ये जो इश्क होता है और जो हराम मोहब्बत होती है इसके दिन बहुत थोड़े होते हैं, मुद्दत बहुत थोड़ी होती है, इसलिए कि इसके पीछे गर्ज होती है, गर्ज अगराज होते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत से निकली हुई मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि हराम है, नाजायज है, इसके पीछे नफसानियत होती है, इसके पीछे खुद गर्जी होती है, इसके पीछे अपनी ख्वाहिशात की मोहब्बत होती है, इसलिए इसकी मुद्दत बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी। गर्ज खत्म तो वफाएं खत्म, कैसे कैसे अहदो पैमान हो रहे थे, मर जाएंगे, खप जाएंगे, सब कुछ लगा देंगे, कैसे कैसे अहदो पैमान होते हैं और दुनिया तमाशा देखती है कहां गए वो अहदो पैमान। तो उल्फत और मोहब्बतों का सरचश्मा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। यह बुनियाद है, यह बुनियाद है। हर शख्स हर तरफ से झगड़ों के कांटे उग रहे हैं, चुभ रहे हैं, चुभ रहे हैं, लेकिन जो इस्लाह की शक्ल है कि क्यों ना मोहब्बतें पैदा की जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, इधर नजर ही नहीं जाती। जो जो दवा करते हैं मर्ज बढ़ता ही चला जाता है, मर्ज बढ़ता ही चला जाता है, और कोई शक्ल नहीं है बाहमी दिनों में जोड़ पैदा करने का। وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم। सारी दुनिया का खजाना भी तुम्हारे तजोरियों में इकट्ठा कर दे और खर्च करने लग जाओ कि उल्फत और मोहब्बत आ जाए फिर भी नहीं ला सकता। ولكن الله ألف بينهم الله بينهم। ये तो एक इनाम है और अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत से ये इनाम मिलता है, सरचश्मा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। तो जो जो अल्लाह की मोहब्बत में कमजोरी आती चली जाएगी उल्फत और मोहब्बत की फिजाएं ठंडी होती चली जाएंगी, मोहब्बतें नापैद होने लगेंगी।
मेरे अजीजों, देखती नहीं है 20-25 सालों में हमने मादी लिहाज से कितनी तरक्की की है, कितनी तरक्की की है। हर शख्स की जरूरियात बहुत पहले से आसानी से पूरी हो रही। लेकिन उस मोहब्बत में कमी आई, खुदगर्जी में इजाफा हुआ, मोहब्बत में कमी आई, खुदगर्जी में इजाफा हुआ तो टूट फूट हर जगह। हम समझ बैठे नादान, आमदनी ज्यादा हो जाए, घर अपना हो जाए, स्टेटस बढ़िया हो जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, बेटे पढ़ जाएं, कुछ कमाने वाले ज्यादा हो जाएं। अरे मेरे अजीजो, मोहब्बतों और उल्फतों की नेमत इससे नहीं मिला करती, इससे नहीं मिला करती। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी अता है कि अल्लाह उल्फत और मोहब्बत की फिजा अता फरमाए। आज भी अमीर की कोठी है या गरीब की झोपड़ी है, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हरारत है, सुभान अल्लाह, वहां आपस की मोहब्बत और उल्फत की खुशबू भी मौजूद। मिसाली है, वहां ये मोहब्बतें मौजूद। और जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत गई, वहां मोहब्बतें हुई। जिंदगी मुसीबत हो जाती है भाई, अगर घर की दहलीज से ये मोहब्बतें निकल जाए ना और उल्फतें ना रहे घरों में, जिंदगी मुसीबत हो जाती है, रहना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी के दिन काटना मुश्किल हो जाता है। सब घर में है लेकिन कोई किसी का जिक्र नहीं, सब इकट्ठे रहते हैं लेकिन कोई किसी का नहीं है। ऐसी खुद गर्जी है। ऊपर सोने पे सुहागा, जो पढ़ाया जा रहा, जो सिखाया जा रहा, जो पढ़ाया जा रहा वो सिखाया जा रहा, वो तो बना ही खुद गर्ज रहे, वो तो बना ही खुद गर्ज रहे हैं। वहां तो अल्लाह की मोहब्बत का खाना ही कोई नहीं, वहां तो अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत का खाना ही कोई नहीं है, वहां तो और खुद गर्ज बना रहे हैं। इसलिए इस बेटी के पास अम्मा के लिए मीठे बोल का वक्त नहीं है, हाँ फेसबुक पे दोस्तों के लिए बहुत वक्त है। वहां बेटे के लिए अपने बूढ़े बाप के लिए वक्त नहीं है, हाँ दोस्तों में बड़ा सहमे महफिल है, बड़ा दिल वाला है। www.dersquran.com अक्सा अबाहु व अदना सदीकहु, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले क्या बात फरमाई है, फरमाया दोस्तों को खैर खा समझेगा, बाप से यूं नफरत करेगा जैसे पाप से नफरत की जाती है। जो कोई इसकी अगराज में रुकावट बनाए वो इसकी नजरों से गिर गया। पढ़ाया ही जा रहा, सिखाया ही जा रहा, फिर शिकवा क्यों कि औलाद नहीं सुनती, नहीं मानती, नहीं बर्दाश्त करती बात, क्यों करे? उसकी तो जहन साजी यही हुई है, उसकी जहन की तरतीब यही बनी है कि जिसकी जिंदगी में जितने अगराज पूरे हुए, ख्वाहिशात पूरी हो, बड़ा कामयाब इंसान था। वो बड़ा कामयाब आदमी, इसलिए उसकी दौड़ है कि मेरी अगराज पूरी हो जाए। इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, इतनी डिग्रियां, इतनी यूनिवर्सिटियां, सब कुछ है
लेकिन क्या आज अपने बाप के लिए ठंडक का बायस है? क्या वो अपने घर वाले के लिए सुकून का बायस है? क्या उसके लिए अपनी मां के लिए मिठास है? हाँ, अगर उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत की दौलत है तो फिर सबके लिए मोहब्बत की मिठास है। तो मेरे अजीजों, फहमी उल्फत और मोहब्बत, उल्फत और मोहब्बत की फिजा, इसका सर चश्मा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। बेटों की जिंदगियां खुशगवार देखना चाहते हो, बेटियों की जिंदगियां मोहब्बत भरी देखना चाहते हो, उनका घर आबाद देखना चाहते हो, फिर देखो ना अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत को। देखो, दौलत ना देखो इससे घर नहीं बनते, स्टेटस के पीछे ना जाओ इससे जिंदगियां नहीं बनती। ये चीज देखने की है कि ये अल्लाह का बंदा कितना है, इसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लिहाज कितना है। जो चीज पैदा करने की है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, इसे पैदा कीजिए। ये अल्लाह की मोहब्बत फिर हर तल्फी से रोक देती है, फिर हर तल्फी से रोक देती है। अल-मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक्या लिखा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक नौजवान और एक लड़की का नाजायज ताल्लुक हुआ। लड़की की शादी हो गई, लड़के ने मुख्तलिफ कोशिशों से राबते की सूरत बनाई, किसी तरह बात हो जाए, कोई सूरत बन गई। उससे कहा ठीक है तेरी शादी हो गई, लेकिन एक मुलाकात कर ले, जो चाहेगी मैं उसे पूरा कर लूंगा। लड़की नेक थी, खौफे खुदा रखने वाली थी, अल्लाह से मोहब्बत थी। उसने कहा एक शर्त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़ ले, बस मेरी तरफ से ये शर्त है, 40 दिन की नमाज पढ़। जब उसने 40 दिन की नमाज पढ़ी, अब उस बच्ची ने राबता किया, क्या हुआ? कहने लगा अब मैंने अपने अल्लाह को पा लिया है, अब उसकी मोहब्बत से मुझे हया आ गया। उस बच्ची ने अपने शौहर को बताया, उन्होंने तो उमर को बताया, तो उमर फरमाने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, वाकई नमाज में ये ताकत है कि ये गंदगियों से रोक देती है, गंदगियों से रोक देती। मेरे अजीज हो, यहां आ जाए ना अल्लाह, यहां आ जाए ना अल्लाह, फिर बीवी शोहर का हक जाया नहीं करेगी, फिर शोहर अपनी बीवी की हक तलफी नहीं करेगा, बाप अपने बेटे की इस मामले में खयानत नहीं करेगा, बेटा अपने बाप के लिए गुस्ताखी और बेअदबी नहीं करेगा। अल्लाह आ जाए ना, खुद गर्ज आदमी से तो कुछ भी हो सकता है, खुद गर्ज आदमी से तो कुछ भी हो सकता है, और हो रहा है। बेटों के हाथ से बाप मर रहे हैं, बीवियों के हाथों से शोहर मर रहे हैं, शोहर की दरिंदगी से औरतें परेशान हैं, खुद गर्ज आदमी से कुछ भी हो सकता है। एक अल्लाह की मोहब्बत है, उल्फत और मोहब्बत के फूल मेरे घरों में खिल जाएं, मुझे ये फिजा मिल जाए, तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को जिंदा कीजिए, इसमें ताजगी लाइए, इसमें ताजगी लाइए, इससे घर बनते हैं। झोपड़ी तो उसमें भी रौनक होगी, फटे पुराने हैं तो उसमें भी जिंदगी का लुत्फ होगा,
रुख सूखा है तो ये मोहब्बतें फिर भी जिंदगी में लुत्फ पैदा कर देंगी। शोहर बीवी के पैरों में आएगा, सुकून पाएगा। बीवी शोहर के पैरों में रहेगी, राहत पाएगा। बेटा बाप को देखेगा, उसकी आंखों में चमक आएगा। बाप बेटे को देखेगा, कलेजे में ठंडक आएगी। मोहब्बत पैदा कीजिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। यह बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। तो मेरे अजीजों, ये वो दौलत जो अल्लाह अपने प्यारों को अता फरमाता, सहजाद रहमान हुद, मोहब्बतों की फिजा इसे नसीब होती है। शेख हदीस मौलाना ज़करी रहमतुल्लाह अलैह थे, अल्लाह ने आपको एक खास चीज अता फरमाई थी, तिलावत कुरान खूब किया करती थी। फरमाने लगे, ये आदत मुझे बचपन ही में मिल गई। मैं जब हाफिज बना तो मेरे वालिद मौलाना याहिया कानवी रहमतुल्लाह अलैह मुझे छत पे भेज दिया करते थे, और बेटे दोपहर के खाने से पहले कुरान खत्म करके आना, तो फजर के बाद छत पे चढ़ जाया करता था और जुहर की अजान तक मेरा एक कुरान खत्म हो जाया करता था। और ये मेरा मामूल 6 महीने तक रहा। फिर जिंदगी भर कुरान से कुछ ऐसा ताल्लुक बना, ऐसा ताल्लुक बना कि रमजान में तो कुछ और ही कैफियत होती थी। फरमाया 40 साल मेरी रमजान जिंदगी के ऐसे गुजरे कि हर रमजान में 30 कुरान खत्म किया करता था। 40 साल तक मुसलसल मामूल रहा। ये मोहब्बत भी अजीब चीज है, जब किसी से हो जाए तो उससे बातें करने करते वक्त का पता ही नहीं लगता। मोहब्बत भी अजीब चीज है, जब किसी से हो जाए तो आदमी तन्हाइयों के इंतजार में रहता है, कोई ना हो और महबूब हो बस। अल्लाह हमें हकीकी मोहब्बत की लज्जत नसीब फरमा दे। मजा ही कुछ और है। तो अल्लाह ने फिर कैसी महबूबियत दी, जब अल्लाह से मोहब्बत की और अल्लाह के यहां से महबूबियत मिली तो कैसे मिली। फरमाया, एक दिन मैं हम खतूत का जायजा ले रहा था जो लोगों ने मेरी तरफ भेजे थे, जिनमें हदिया लिखा हुआ था। तो मैंने सबका जायजा लिया तो मैं देखता हूँ लोगों ने मुझे जिंदगी में 10,000 उमरे और हज हदिये किए। 10,000 उमरे और हज जिंदगी में हदिये किए हैं, जानते नहीं है, देखा नहीं है। पता चला सहारनपुर के शहर हदीस है, उनकी तरफ से एक उमरा कर लो, हजरत की तरफ पैगाम भेज दो ताकि हमें भी दुआएं मिले। तो लोगों ने इस तरह करते करते 10,000 उमरे और हज जिंदगी में हदिये किए। ये मोहब्बतें दिल में पैसों से नहीं आया करती, पैसों से नहीं आया करती, ओहदों और मनसबों से नहीं मिला करती, स्टेटस से नहीं मिला करती। अरे मरे जीरो, इससे तो हासिल बढ़ते, इससे तो हासिल बढ़ते हैं। दिलों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से है, दिलों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से है। पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत कर लेते हैं और अल्लाह का बंदा अल्लाह से मोहब्बत कर लेता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते, जाओ फला है उससे मैं मोहब्बत करता हूं। पूरे फरिश्तों की बिरादरी में आवाज लग जाती है। फिर वो जमीन पर उतरते हैं, सलीम और फितरत लोगों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत उमड़ आती है।
یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کی فضا ملتی ہے۔ تو الفت اور محبتوں کا سرچشمہ اللہ سے سچی محبت ہے۔ اسے پیدا کیجئے، اسے بڑھائیے، اس سے محبتیں آتی ہیں۔ جہاں جھگڑوں کے کانٹے اگے ہوئی ہیں، نفرتوں اور بد اعتمادی کی فضا ہے، جہاں ہر طرف تو میں ہے، تو میرے عزیزوں وہاں کا حل ایک ہی ہے، اللہ کی محبت کو تازہ کیجیے۔ ایک ہی حل ہے، پھر درگزر کرنا آسان ہو جائے گا، صبر کرنا آسان ہو جائے گا، تحمل اور برداشت آسان ہو جائے گا، معاف کرنا آسان ہو جائے گا، خاموش رہنا آسان ہو جائے گا۔ حل یہی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پہاڑ بن جائے۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، گھر اجڑ گیا۔ معمولی سی بات پہ گھر برباد ہو گیا۔ تو جہاں اللہ کی محبت نہیں، وہاں خود غرضی، وہاں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جہاں اللہ کی محبت نہیں، وہاں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹے کے بعد، دو بیٹے کے بعد، تین بیٹے کے بعد، چار بیٹوں کے بعد، پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اب تو ایسی مخلوق بھی ہے، قبر میں جانا گیا اور گھر ٹوٹ رہے، قبر سامنے ہے، گھر ٹوٹ رہے۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس بڑھاپے میں کیسی تلخ زندگی ہوتی ہے اس گھر کی، جس گھر میں محبتوں کے پھول مرچا گئے، نفرتوں کے کانٹے اگ جائیں۔ ارے میرے عزیزوں، باہر کے دکھ درد یہ کندھے برداشت کر لیا کرتے ہیں، باہر کے دکھ درد یہ کندھے برداشت کر لیا کرتے ہیں، گھروں کی یہ تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی۔ خون خشک ہوتا ہے، ہڈیاں پگھلنے لگتی ہیں، انسان انسان سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس ماحول سے آدمی کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، کس کو بتائے؟ شرمندگی اپنی ہے، نہ بتائے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ حل کیا ہے؟ اسے ماحول دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھ دو۔ حل یہ ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے ازواج زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس سے بہن بھائیوں میں محبتیں آ سکتی ہیں، اس سے گھر اچھے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ ڈال دینا۔ بیٹی کو بھی خود غرض بنا دیا، بیٹے کو بھی خود غرض بنا دیا، اور پھر جاؤ گے محبت سے رہے، کیسے رہیں گے؟ بہو بھی خود غرض، ساس بھی خود غرض، اور پھر جاؤ گے محبت سے رہیں، کیسے رہیں گے؟ شوہر اپنی دنیا میں ہے، بیوی اپنی دنیا میں، ہم پھر چھ محبت سے رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اس کی بھول ہے، اس گھر میں نہیں اس گھر میں خوش رہوں گا، یہ اس کی بھول ہے کہ یہ نہیں تو کوئی اور میرے گھر میں آ کر خوشیاں دے گی۔ کوئی نہیں دیتا جب تک تو خود غرض رہے گا، اور جب تک تیرا تعلق خود غرضوں سے رہے گا، کبھی محبتوں کے پھول نہیں کھل سکتے۔ یہ راہ ہی نہیں ہے محبتیں آنے کی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔
مشرق مغرب شمال جنوب میں دیکھیے میرے عزیزو، گھر اس لیے نہیں ٹوٹتے کرکٹ کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، وہاں تو جن کے پاس نہیں ہوتا حکومت دیتی ہے، علاج بھی حکومت کراتی ہے، گھر بھی حکومت پیش کرتی ہے، بے روزگاروں کو زندگی کی ضروریات بھی حکومت پیش کرتی ہے، لیکن ہر تیسری عورت کو طلاق ہے، ہر تیسری عورت کو طلاق ہے، اس بوڑھے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تیار ہے حکومت، لیکن بیٹے کو اس کا بڑھاپا گھر میں برداشت نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آ جائے گا، خود غرضی ایسی ہے کہ گوارا ہی نہیں کے ساتھ رہے، اتنا بڑا مردار پڑا ہے کھا بھی نہیں سکتا، کوئی دوسرا آ جائے بھونکنا شروع کر دے گا، جب آدمی خود غرض بنتا ہے اور دل کی دنیا اللہ کے اللہ کے رسول سے خالی ہو جاتی ہے، پھر یہ وہ کرتا ہے کہ جانور بھی شرما لے، پھر وہ کرتا ہے کہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ کرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا، خود غرض تو میرے عزیزوں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑی نعمت ملے گی، الفت اور محبت کی فضا میں بڑی نعمت ملے گی، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو ہمارے حالات اور نااتفاقیوں کا علاج، جھگڑوں کا علاج، ٹوٹ پھوٹ کا علاج اور کچھ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اب یہ کیسے بڑھ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیسے بڑھ جائے، تو اس کے لیے میرے عزیزوں ایک بڑا نسخہ ہے، بڑا نسخہ ہے، بڑا مؤثر ہے، بڑا نسخہ ہے، بڑا مؤثر، اور وہ ہے تلاوت قرآن، کلام اللہ کی تلاوت، جو جتنا اسے کثرت سے کرے گا، ادب سے کرے گا، جتنا کثرت سے کرے گا، جتنا ادب اور احترام سے کرے گا، اتنا ہی اللہ کی محبت کا حصہ پائے گا، کبھی بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ادب اور احترام سے اللہ کی محبت سے کبھی محروم نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تو اتنا قیمتی بنتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں چلا جائے نکمپی عمر سے محفوظ ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے اتنا قیمتی بنتا ہے کہ اس کی زندگی میں نکمی عمر آتی نہیں، وہ موسم آتا ہی نہیں، سبحان، اور جو جتنی کثرت سے تلاوت کرے گا بڑھاپے تک اسے محبوبیت ملے، محبت کی فضا ملا، یہ بوڑھے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے تلاوت زندگی بھر کی رہی، اب بھی نہیں کرتے، پھر تنہائیوں کے شکوے ہیں، تنہائیوں کے شکوے ہیں، اندھیروں کے شکوے ہیں، تلاوت کیجئے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، سب سے بڑی ذکر ہے یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت تلاوت کیسے کروں، حضرت فرمانے لگے بیٹے یوں خیال کرو کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم تلاوت کرو، میں تمہاری تلاوت سننا چاہتا ہوں، اس دھیان سے تلاوت کرو کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے
और मैं अपने करीम दाता को अपनी तलावत सुना रहा हूं, देखो फिर क्या हो गया। अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाओ, दिल की सख्ती की एक नहुसत है, दिल की सख्ती की एक नहुसत है। जो दिल सख्त होता है ना, आंखों के गलत इस्तेमाल करने से या जबान के गलत इस्तेमाल करने से या कान के गलत इस्तेमाल करने से दिल सख्त हो जाता है, उसकी एक नहुसत क्या है, आदमी तिलावत कुरान से महरूम हो जाता है। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने गुजर जाते हैं, तिलावत कुरान की तौफीक नहीं होती। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने गुजर जाते हैं, तिलावत कुरान की तौफीक नहीं होती। अल्लाह से मोहब्बत पाओ, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, और थोड़ी सी आवाज बुलंद करके, दिल दिल में नहीं, आवाज बुलंद करके, ताकि यहां उसकी आवाज पहुंचे, दिल में उसकी आवाज पहुंचे, कान के वास्तों से दिल में आवाज पहुंचे। जितना अदब से करोगे, जितना कसरत से करोगे, मजा आएगा। और यह है भी अजीब चीज, अल्लाह से बातें ना, मोहब्बत जब बढ़ती है तो आदमी उकताता थोड़ी है, उकताता नहीं है, ये ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा पढ़ता है ये इतना ही इसको अपनी तरफ खींचता है। दुनिया की हर किताब में बोरियत हो जाती, कितनी मरतब पढ़ेगा, दो मरतब पढ़ेगा, तीन मरतब पढ़ेगा, चार मरतब पढ़ेगा, ये दुनिया की किताब तो है नहीं, ये तो अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने की किताब है। जितना पढ़ता है इतना ही अपनी तरफ खींचती है, इसके अंदर मकनदीसियत है। अल्लाह की कलाम की तिलावत बढ़ाओ। ये जो कुरान में सात मंजिलें, एक मंजिल, दो मंजिल, सात मंजिलें, मेरे अजीजों, कभी मुसलमान माँ बहन बेटियों की और मुसलमान मर्दों की तिलावत का ये मामूल होता था, हर रोज एक मंजिल पढ़ते थे और जुमे को उनका कुरान खत्म हो जाया करता, फिर नए सिरे से कुरान, फिर जुमे में उनका कुरान खत्म हो जाया करता, जुमे की रात को उनका कुरान खत्म हुआ करता। ये तिलावत का मामूल था। और उनके घर क्या थे, उल्फत और मोहब्बतों के गुलशन हुआ करते थे। बेटी है, बहना है, सुबह का नाश्ता बाद में, ये अल्लाह की मोहब्बत का नाश्ता उससे पहले। मुसलमान तहज्जुद के लिए मस्जिद में जा रहे हैं तो यूं आवाज आ रही जैसे शहद की मक्खियां उड़ रही हों, बिन बिनाड की आवाज। हर घर से कुरान की तिलावत का मामूल। तो मेरे अजीजो, अब ये तिलावत गई, अल्लाह की मोहब्बत रुखसत क्या हुई, अब बहुत किस्में गुजरता है, सोते हुए फेसबुक देखते हुए, सुबह उठते हुए अखबार देखते हैं, ये हमारी जिंदगी की तकदीर। टीवी पे स्क्रीन पे देखते देखते रात पलंग पे होते हैं, बदकिस्मती से सुबह उठते फिर गंदगी कहानियां पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाथों पे मोबाइल होता है, पता नहीं क्या क्या कहां कहां घूम रहे होते हैं, इसी हाल में सो रहे होते। चीजों अपनी जिंदगी हम संवारें, अपने घरों का माहौल संवारें, अपने बच्चों पे नजर रखें, अपनी बच्चियों की तरबियत की फिक्र करें। बहुत गलत रुख पे मुसलमान चल पड़ा, हम बहुत गलत रुख पे चल पड़े। ये फिजा, ये माहौल इतनी तेजी के साथ बदल रहा है कि डर है कि कुछ भी हमारे पास नहीं रहे, न शर्म हया, न इफ्फत पाकदाम, न बड़ों के कदरे, ना मोहब्बतों की मिठास, कुछ भी नहीं रहेगा, सब लुट जाएगा अगर अपने माहौलों पे नजर न की, तवज्जो न दी।
हर आने वाला वक्त खौफनाक फितने लेके आता। पहले फितने सालों में आया करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आने वाले फितने बिजली की रोशनी पे आ रहे हैं, हवा के दोष पे आ रहे हैं। पहले बैलगाड़ियों का जमाना था, गधा गाड़ियों का दौर था, अब सफर फितनों के बहुत तेज रफ्तारी के साथ हैं। पहले फितने बाजारों में सड़कों पे हुआ करते थे, हाथों में आने वाले जो हमारे पास आजाद हैं ये हमारे बच्चों के पलंग तक पहुंच गए हैं। इन्होंने सारे रास्ते की सारी रुकावटें उबूर कर ली है, हर शख्स के दिल तक पहुंच चुका है ये फितना। अगर उसकी जीन साजी न की और उसे पाकीज़ा माहौल न दिया, उसका अल्लाह से ताल्लुक न बनाया, तो कुछ भी बाकी नहीं रहे। तो ये मोहब्बतों की मिठास अल्लाह की मोहब्बत से है। एक आसान सा नुस्खा बताया है कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत अदब के साथ, कसरत के साथ। और एक नुस्खा और है मेरे अजीजो, दिन भर सुबह का आगाज यूं करो, ए अल्लाह अपनी नाफरमानी से बचा। शाम हो जाए बिस्तर पे बैठ कर जायजा ले लें, आज भी अल्लाह को नाराज तो नहीं किया, थोड़ी देर माफी करके सो। इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा लेके आए, हर आने वाला दिन अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा लेके आए। तिलावत की कसरत हो, सुबह से तय करना अल्लाह को आज नाराज नहीं करना। रात बिस्तर में जाकर जायजा ले, कोई कोताही तो नहीं हुई, उस पे निदामा से इस्तगफार कर ले, इंशाअल्लाह ये चीज बढ़ती चली जाएगी। फिर वो जो कांटे हैं नफरतों के, बदतमीजियों के, टूट फूट के, इंशाअल्लाह इन तमाम शुरूर और फितनों से अल्लाह महफूज फरमाएंगे। अल्लाह ऐसी मुबारक जिंदगी हम सबको अता फरमा दे। आखिर दावा الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اي الله جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ईमान वाली, सुकून वाली, चैन वाली, राहत वाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह खुद गर्जी से महफूज फरमा, नफसानियत से, नफ्स परस्ती से हिफाजत फरमा, हादिसात सानिहात मोजी और देरपा बीमारियों से हिफाजत फरमा, तमाम हाजरीन हाजरात की तमाम जायद हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह अपनी पसंद का जीना नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, लुकमा हलाल नसीब फरमा, बरकत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा, बुरी सोहबत से, बुरे माहौल से, बुरे दोस्तों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह गुनाहों की गंदगियों से हम सब की हिफाजत फरमा। मौला करीम अपने फजल से दुनिया भर के मदनों मुसलमानों की मदद और नसरत फरमा, अहले इस्लाम को नेक सादे क़यादत नसीब फरमा, मुसलमानों में ईमानी इस्लामी भाईचारा कायम फरमा, मुसलमानों में इस्लामी अख़ुवत को जिंदा फरमा। ए अल्लाह असबियत लिसानियत वतनियत के गंदगियों से महफूज फरमा। ए अल्लाह जो मुसलमानों में रंग नसल की बुनियाद पर नफरत लगो बीज बो रहे, इनके फितनों से महफूज फरमा। जो भी जहाँ कहीं भी तेरा दीन का काम इखलास से कर रहे, जो तेरे यहाँ मकबूल है, ऐ अल्लाह तू की मदद और नुसरत फरमा। मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, उलमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपना फजल फरमा, करम फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, हमारे वतन अज़ीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बना, इसे इस्तेहकाम नसीब फरमा, या ईमान हिदायत की फिजाओं को आम फरमा, हमारी जिंदगियां सलाहियतें वसाइल इसके लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमा। ए अल्लाह रिया नामो नबूद हासिलीन के शर से हिफाजत फरमा। मौला करीम जो बच्चियाँ घरों में हैं उनके लिए नेक साले रिश्तों का इंतजाम फरमा, हर माँ बाप को अपने बच्चे बच्चियों में खुशियाँ नसीब फरमा, औलादों के फितनों से, आजमाइशों से, नाफरमानियों से हिफाजत फरमा।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين www.thesquran.com